गाइस, ये बंदा देख रहे हो? हाँ, ये मैं हूँ। और जानना चाहते हो मैं यहाँ तक कैसे आया? आओ बैठो, तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बचपन से यार सब बच्चों का जैसा था, स्कूल नहीं पसंद है, स्कूल तो मेरे को ही नहीं पसंद था। बट इंटरेस्ट की अगर मेरी बात करो तो इंटरेस्ट मुझे एक तो फुटबॉल में था काफ़ी, और एक थोड़ा बहुत डांसिंग में भी था। तो डांसिंग का इंटरेस्ट तो मेरा चला गया था, मतलब उतना टाइम नहीं रहा, बट जो फुटबॉल का इंटरेस्ट था वो काफ़ी टाइम तक था, अनटिल एंड अनलेस लॉकडाउन आया। क्योंकि लॉकडाउन आते ही मतलब लाइक घर से बाहर निकलना बंद हो गया, और लॉकडाउन में मैं BGMI से इंट्रोड्यूस हुआ। तो डांसिंग का मेरे को शौक़ तब से चढ़ा था, मतलब जब मैं छोटा था तब मैं काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखा करता था। तो पहले मुझे एक एक्टर पसंद था, टाइगर श्रॉफ नाम का, वो मेरे को काफ़ी पसंद था, क्योंकि मतलब वो स्टंट्स वगैरह भी करता था, और बचपन में सबको ही पसंद होता है वो, और वो काफ़ी मतलब डांस भी डिसेंट करता था। तो वहाँ से मेरे को स्टंट्स और डांस दोनों का शौक़ चढ़ा। तो मोस्टली जब मैं मार खाता था तो वो तो गेम के चक्कर में ही होता था, क्योंकि वो टाइम मैं काफ़ी छोटा था, और वो टाइम गेमिंग का उतना इंडिया में कुछ था नहीं। तो मतलब इंडियन पेरेंट्स तो पता ही है, उतना गेमिंग में उतना वो नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं रखते। तो मेरा भी वैसे ही था, मतलब उनका भी उतना इंटरेस्ट नहीं था, और उसके चक्कर में, और मैं कभी उन्हें बताया भी नहीं कि मतलब मेरे को ये करना है, जब मैं तब तक नहीं बताया जब तक मैं थोड़ा बहुत उखाड़ नहीं लिया। बचपन में तो मेरा इंटरेस्ट मतलब जब मैं स्टार्ट तो मैं PC गेम से करा था। तो पहले जब मैं PC गेम्स खेलता था तब काइंड ऑफ मैं थोड़ा बहुत एडिक्ट टाइप हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा खेलता था मैं, बहुत ज़्यादा। मेरा फेवरेट गेम वो टाइम पे Far Cry 3 था, जो कि मैं अब भी खेलता हूँ। Did I ever tell you the definition of insanity? जब मैं स्कूल से आता था तब मैं स्कूल से आते ही सीधा PC पे बैठता था और मेरा गेम खेलना चालू। तो वो मतलब मेरा लगातार बहुत बहुत दिनों तक हुआ। फिर मतलब एक बार मम्मी गुस्सा हो गई, तो फिर मम्मी मतलब मारने पीटने लगी मेरे को कि तू दिन भर गेम खेलता है, ये पढ़ाई नहीं करता, कुछ करता नहीं है, मार्क्स नहीं आते तेरे। तो उसके चक्कर में मतलब मेरा PC भी छूट गया। तो जब मेरा PC छूट गया उसके बाद मैं मोबाइल पर शिफ्ट हुआ। तो पहले तो मतलब मेरे पास उतना अच्छा फ़ोन नहीं था, तो मतलब मैं PUBG डाउनलोड नहीं कर सकता था, क्योंकि मतलब सपोर्ट नहीं करता था डिवाइस। तो मैं तब देखता था, और देखते देखते मेरा मतलब बहुत इंटरेस्ट हुआ ये खेलने का, मतलब बहुत इंटरेस्ट आया ये गेम में। तो मतलब मैं एक बार पापा को बोला कि मेरे को फ़ोन दिला दो, छोटा सा कोई नॉर्मल सा। तो मतलब पता नहीं कैसा, लेकिन पापा ने मेरे को दिला दिया वो टाइम पे। उसके बाद जो मैं फ़ोन से एडिक्ट हुआ हूँ, मतलब इतना खेलता था PUBG, इतना खेलता था, मतलब मैं इतना बड़ा एडिक्ट था ना कि मैं जब भी चिकन वगैरह होता था ना, तो मैं एक बुक में डेट लिखता था और विनर चिकन डिनर उसके बाद में। तो अगर आप सपोर्ट की बात करो कि सपोर्ट मेरे को किसने किया, तो सपोर्ट बस पापा का था, वो भी डांसिंग में, एक डांसिंग में था और एक फुटबॉल में था, क्योंकि मैं स्कूल में भी अच्छा फुटबॉल खेलता था। तो बस यही दो चीज़ में था। ई स्पोर्ट्स एथलीट तो मेरे को नहीं बनना था, बट मैं कंटेंट क्रिएटर का सोचा था, क्योंकि ई स्पोर्ट्स एथलीट वो टाइम पर उतना फेमस नहीं था। तो बस कॉन्टेंट क्रिएशन ही था, और वो मेरे को बहुत पसंद भी था वो टाइम पर। तो पहले तो मैं PUBG खेलना स्टार्ट किया था, और मैं वीडियोस भी कभी कभार बनाया करता था वो टाइम पे, मतलब गेम प्ले वगैरह, और वो टाइम पे मैं खेलता भी अच्छा था। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करा कि हाँ भाई तू वॉइस ओवर वगैरह कर, बट वॉइस ओवर करने की वो टाइम पे मेरे में उतनी हिम्मत नहीं थी। तो वॉइस ओवर तो नहीं, बट मैं गेम प्लेज वगैरह कभी कभार डाला करता था। फिर गेम प्लेज से मेरा इंटरेस्ट आया मोंटाजेस में, वो भी क्लासिक की होती थी, बट उसमें मतलब बहुत एफर्ट्स वगैरह लगते थे, और वो काफ़ी एंटरटेनिंग होती थी, क्योंकि उसमें बहुत फैंसी मूव्स वगैरह होते थे, और वो टाइम पे वो ट्रेंड था एक टाइप का। तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट आया, बट मतलब मैं वीडियोस तो डाला करता था, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब PUBG मोबाइल गया था उसके बाद मैं थोड़ा शौक में था, क्योंकि उससे पहले तो मैं बहुत खेला करता था, बहुत रैंक पुश वगैरह सब करता था। तो उसके बाद तो मतलब एक टाइप से मेरे को एक बार तो एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेरे को बुखार ही चढ़ गया वहाँ पे, और मैं मतलब लोगों की वीडियोस देखता था जो कहते थे कि PUBG अब आने वाला है, ये डेट पे आएगा, तो वो देख के मैं भरोसा भी करता था, क्योंकि मैं वो टाइम पे बच्चा था। तो वो टाइम पे तो चलो ठीक है। फिर जब BGMI आया तब भी मैं उतना कॉम्पी में उतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मैं तब भी मैं मतलब क्लासिक्स वगैरह खेलता था, रैंक पुश वगैरह करता था।
तो मतलब मैं वही अपने क्लासिक के दोस्तों को पकड़ा वो टाइम, उनके साथ पूछा, मतलब उनको पूछा कि तुम लोग खेलने के लिए रेडी हो क्या, तो वो लोग बोले कि हाँ हम लोग को कोई मतलब, तो मतलब हम वहाँ से स्टार्ट किए, मतलब रजिस्टर वगैरह करे और खेले, तो वहाँ वो टाइम पे हम अच्छा परफॉर्म करते थे क्योंकि लॉबी नहीं होती थी उतनी खास। तो वहाँ से फिर हमें T2 मिला, और T2 मिलने के बाद हमें ऐसा लगता था कि अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म करे तो हमें T1 मिलेगा और हम मॉर्टल के साथ खेलेंगे, मतलब उनके अगेंस्ट खेलेंगे। तो वहाँ से हम अनोनिमस ईस्पोर्ट्स करके एक ऑर्ग थी वहाँ पे आए, तो वहाँ भी हम मतलब खेल रहे थे, वहाँ भी हमारा थोड़ा बहुत सेट हो गया था, फोर्थ प्लेयर भी काइंड ऑफ मतलब स्टार्ट में हुआ था बस, तो वहाँ हम खेल रहे थे। फिर एक दिन हमें टेक्स्ट आता है ओनर का कि तुम्हें एक स्काई ईस्पोर्ट्स का इवेंट खेलना है क्या, और रेकनिंग के नाम से। तो हम भी थोड़ा मतलब वो शॉक टाइप हो गए कि रेकनिंग के नाम से कैसे एकदम से यहाँ से वहाँ। तो फिर हम उसे पूछे कि क्या सीन है, तो फिर वो बोला कि सीन ऐसा है कि रेकनिंग के प्लेयर्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है टूर्नामेंट के लिए, तो वो बोला कि तुम्हें बस प्रायोरिटी के लिए खेलना है, बस तुम खेल लो कैसे भी करके, रिजल्ट्स मैटर नहीं करता उतना। तो हम वही सोच के खेल रहे थे, बट हम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गए, सेमीज था वो, सेमीज में अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर जो ओनर थे रेकनिंग के, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट है हमारी टीम में, तो फिर वो हमें ग्रैंड्स भी खेलने दिए, वो बोले कि तुम खेलो, तुम्हारा मतलब देखते हैं परफॉर्मेंस, थोड़ा आई कैच हुआ वहाँ से। तो फिर ग्रैंड्स में भी हमारा हम डिसेंट परफॉर्म करें, हम top 3 या top 4 में एंड करे थे। तो वहाँ से फिर थोड़ी बातचीत वगैरह चालू हुई कि मतलब हाँ टीम अच्छी है हमारी, टीम सेट है। BGIS में तो हमारा ये सीन था, BGIS ख़त्म होने के बाद तो मतलब बहुत अंदर से मतलब रोने वाली, मैं तो रो दिया था कि मतलब भाई थर्ड क्यों आए हम लोग, क्योंकि मतलब थर्ड भी ठीक है, बड़ी बात होती है, बट जब 2 पॉइंट से हैश 2 छोटे और 7-8 पॉइंट से हैश 1 छोटे तो भाई बहुत बेकार लगता है। और मैंने एक मैच चोक भी करा था, उसकी वजह से मुझे तो उतना मतलब वो नहीं लगा कि मतलब हम थर्ड आए, वो वाली मेरे को अच्छे से फीलिंग नहीं आई, बहुत इमोशनल टाइप हो गया था मैं, तो वो टाइम तो मतलब मैं रो ही दिया था। गाड़ी को देख के बढ़िया ही लगा यार, क्योंकि जो मतलब बाकी टीम्स हैं, बाकी टीम्स में से किसी ने नहीं सोचा कि मतलब ऐसा कुछ मतलब प्लेयर्स को इतना वैल्यू करना, जैसे कार पे मतलब हमारा थोड़ा यूनिक टाइप था कि कार पे मतलब रैप, और उतने लोग अभी तक शायद किसी ने नहीं करा है अभी तक तो। और ऊपर से वो गाड़ी मुंबई से हैदराबाद, कितने मुंबई से हैदराबाद आई थी, हाँ 700 किलोमीटर, कितने लोगों ने देखा होगा भाई, वही बहुत लोगों ने देखा होगा, वो देख के थोड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। तो गाइस चलो, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और ये जो ये है आई होप ये इसमें अगली बार विनर लिखाया हो। तो मिलते हैं।